भाइयों बहनों, जब इंडी अलायंस का शासन था हमारे कश्मीर में हड़तालें पड़ती थी। आज मोदी जी का प्रभाव देखिए, कश्मीर के भारत के हिस्से में हड़ताल नहीं होती है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में हड़ताल होती है। पहले नारे आजादी के यहां लगते थे, अब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में आजादी के नारे लगते। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर ने आटे के भाव ने रिकॉर्ड बना दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 हटाकर पूरे कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ दिया। भाइयों बहनों, जब इंडी अलायंस का शासन था हमारे कश्मीर में हड़तालें पड़ती थी। आज मोदी जी का प्रभाव देखिए, कश्मीर के भारत के हिस्से में हड़ताल नहीं होती है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में हड़ताल होती है। पाक कॉपी को पहले नारे आजादी के यहां लगते थे, यहां पर आजादी के नारे लगते कश्मीर में, अब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में आजादी के नारे लगते। पहले यहां पत्थरबाजी होती थी, आज वहां पत्थरबाजी होती है। और भाइयों बहनों, 2,11,00,000 टूरिस्टों ने यहां कश्मीर जाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर ने आटे के भाव ने रिकॉर्ड बना दिया है, आटे के भाव ने। मुझे बताओ श्रीरामपुर वालों, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये मणिशंकर अय्यर, एक फारूक अब्दुल्ला हमें डराते हैं, देश को डराने का काम कर रहे हैं कि एटम बम है पाकिस्तान के पास, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात न करो। मैं आज श्रीरामपुर की धरती पर कहकर जाता हूं, राहुल बाबा आपको डरना है तो डरिए, ममता दीदी आपको डरना है तो डरिए, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है और हम उसको लेकर रहे हैं।